है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स्यात्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशातारिणे मंचाकल्पतरूपेश्च कृपा सिंधुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये मस्त प्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नंदनाय च नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्व वेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृता तृप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलं प्रेम कुमार्थमः श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदं तत्राधरो न परं मूकं करोति वाचालं अंगूलं ध्रियते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधव। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या के बारे में। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 17वें अध्याय से भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या का श्रवण कर रहे थे कि भगवान, इससे पहले हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से नारद मुनि अलग अलग महलों में गए और उन्होंने भगवान की विभिन्न लीलाएं देखी। उन्हें बहुत अद्भुत लगा, बहुत आश्चर्य हुआ कि किस तरह से भगवान एक ही समय में 16,108 महलों में उपस्थित हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। और हर बार नारद मुनि जब भी पहुंचते भगवान एक ही दिन में अलग 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 घंटे में पहुंचे, तो हर बार भगवान ऐसा स्वागत करते जैसे नारद मुनि से पहले कभी मिले नहीं हैं। एक महल से निकलते और दूसरे महल में जाते तो नारद मुनि भगवान एक महल में स्वागत कर चुके हैं, उसके कुछ क्षण बाद दूसरे महल में जाते तो नारद मुनि से पूछते, कहो कैसे हाल, कैसे आना हुआ। यही क्वेश्चन पहले में पूछा, दूसरे में, तीसरे में। तो भगवान हर तरफ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, अलग अलग कार्य कर रहे थे। ये नारद मुनि भगवान का ये सारा लीला देख के इसको, इस जगत को बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार से भगवान एक ही समय में 16,108 जगहों पे उपस्थित है। इसके पश्चात हमने भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या, जिसमें भगवान प्रभात निकलने वाला होता है वैसे ही भगवान तुरंत उठते थे। जब बाघ मुर्गा बाघ देता था ब्रह्म मुहूर्त के समय, उसी समय भगवान तुरंत उठ जाते थे और पारिजात उद्यान से आने वाली सुगंधित वायु से उत्पन्न भौरों की गुनगुनाहट भी पक्षियों को नींद से जगा दिया करते थे। उसके बाद पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगते थे और इस तरह भगवान कृष्ण को ऐसे जगाते थे मानो दरबारी कवि उनके यश गायन कर रहे हैं सारे। भगवान माधव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ये सब भगवान की दैनिक क्रिया, एक सामान्य मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। भगवान माधव ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे, जल का स्पर्श किया करते थे। उसके पश्चात वो एकाकी आत्म प्रकाशित अनन्य तथा अच्युत परम सत्य ब्रह्म रूप स्वयं का ध्यान करते हैं, जो स्वभाव से ही सारे कलमश को दूर करने वाला है और जो अपनी निजी शक्तियों के द्वारा इस ब्रह्मांड का सृजन और संहार करती है। अपना ही शुद्ध तथा आनंदमय स्वरूप प्रकट करते, भगवान अपने ही ध्यान करते थे स्वयं। इसके पश्चात भगवान अत्यंत साधु श्रेष्ठ भगवान कृष्ण पवित्र जल में स्नान करते, अपने अधो वस्त्र ऊपरी वस्त्र पहनते और प्रातःकालीन पूजा इत्यादि सारे नियमित क्रियाकलाप संपन्न करते। फिर पवित्र अग्नि में आहुति देकर मन ही मन गायत्री का जप करते थे। भगवान स्वयं भी गायत्री का जप करते और प्रतिदिन भगवान उदय होते सूर्य की पूजा करते थे और अपने अंश रूप देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करते थे। सुबह स्नान करने के पश्चात तत्पश्चात भगवान अपने गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की ध्यान पूर्वक पूजा करते थे। वे सुवस्त्र आभूषित ब्राह्मणों को पालतू तथा शांत गांवों का झुंड में दान देते, ऐसी गांवें दान में देते थे जिनके सिंह सोने से मढ़े रहते थे, गले में मोतियों की माला रहती थी और ऐसी गांवें सुंदर वस्त्रों से भी विभूषित रहती थी और उनके खुरों के अगले हिस्से चांदी मढ़े रहते थे और उस सब प्रचुर दूध देने वाली थी और एक बार ब्याति होने वाली उनके साथ बछड़े भी होते थे। भगवान प्रतिदिन 13,084 गौओं के अनेक झुंड विद्वानों को, ब्राह्मण को देते थे। ये सब स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव की, ब्राह्मण की, पितरों की तर्पण करने के बाद, सूर्य की पूजा करने के बाद, साथ ही भगवान मलमल, मृगचंद तथा तिल भी दान देते।
भगवान कृष्ण गौओं ब्राह्मणों तथा देवताओं अपने वरिष्ठ जनों तथा गुरुओं और समस्त जीवों को जो उन परम पुरुष के अंश रूप में नमस्कार करते थे, तब जाके वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते थे। ये सब करने के बाद में वे मानव समाज के आभूषण स्वरूप अपने शरीर को अपने विशेष वस्त्रों तथा रत्नों से एवं देवी फूल मालाओं और लेपों से सजाते थे। इस प्रकार से भगवान के दैनिक क्रियाकलाप था। आगे 12वें श्लोक में आज हम शुरू करेंगे। 12वें श्लोक से अवेक्षे आज्यम तथा दर्शम गोवृषस् द्विज देवता कामांच सर्ववर्णानाम पौरांत पुरचारिणम प्रदाप्य प्रकृति कामे प्रतोष्य प्रत्यनंदत तवे घी दर्पण गवों सांड ब्राह्मणों और देवताओं की ओर देखते हुए आश्वस्त होते थे कि महल के भीतर तथा पूरे नगर में रहने वाले सभी जाति के लोग इन उपहारों से संतुष्ट हैं। तो भगवान महल में अपना दैनिक कार्यकलाप से देखते थे कि सारा ब्राह्मण और देवता और गाय ये सब संतुष्ट हैं। ये देखिए भगवान स्वयं अपने चरित्र से बता रहे हैं कि किस तरह से वो कार्य करते हैं। अपने महल में अपना काम काज करने से पहले तत्पश्चात अपने मंत्री की इच्छा पूरा करने के लिए उनका अभिवादन और सत्कार करते, फिर ऑफिस अपने जो महल में जो उनका राज्य का संभालते थे और मंत्री को नमस्कार करते थे, सत्कार करते थे मंत्री। संविभज्य अग्रत विप्रान स्त्रक तांबुल अनुलेपने सुरद प्रगति तारान उपयुक्त तत स्वयं। इसके बाद सर्वप्रथम ब्राह्मणों को पुष्पमाला देते थे, पान चंदन लेप बांटकर उन्हीं उपहारों को बाद में उनको बांटकर फिर जाके मित्रों मंत्री और पत्नी को देते, अंत में स्वयं उसका भोग करते। तो सब पूरे ब्राह्मण गुरु हो गया, देवता हो गया, ये हो गया, मित्र हो गया, मंत्री हो गया, उसके बाद वो अपने और अपने परिवार के लिए भोग करते। तावत्सुत उपानीय स्यन्दनम परम अद्भुतम सुग्रीवाद्य हय युक्तम प्रणम्य अवस्थिताग्रत। तब तक भगवान का सारथी उनके अद्भुत रथ को ले आता था जिसमें सुग्रीव तथा अन्य घोड़े जुते रहते थे। तत्पश्चात उनका सारथी उन्हें नमस्कार करता था, उनका समक्ष खड़ा होता था। तो ये उनका रथ जो था, ये उनका जैसे कार होता है, कार निकालता कोई व्यक्ति ऑफिशियल, वो था व्हीकल उनके महल में जाने के लिए। भगवान ये सारा कार्य सुबह करके जाते। तो सब लोगों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को और सब गायों को, देवताओं को, सबको संतुष्ट करने के पश्चात वो अंत में वो और उनके परिवार उपभोग करता और लास्ट में फिर वो ऑफिस जाते। इस तरह अपना उनका सारथी नमस्कार करता था, करा तो उनका रथ लाके खड़ा करता था। ये भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या। ग्रहित्वा पाणिना पाणि सारथेतम अथारा आरुतः सात्विकी उद्धव संयुक्त पूर्व अद्रिम इव भास्कर। अपने सारथी के हाथों को पकड़कर फिर भगवान कृष्ण सात्विकी तथा उदय उद्धव के साथ रथ पर इस तरह चढ़ते मानो सूर्य पूर्व के पर्वत पर उदय हो रहा। वो उनका सहारा लेके ऊपर रथ के ऊपर चढ़ते थे सात्विकी के रथ। ये भगवान एक आदर्श संहिता बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए और किस प्रकार से जो आश्रित लोग हैं, ब्राह्मण गुरु गाय इन सब आश्रित लोगों, इनको इवन मंत्रियों को भी इनको सब संतुष्ट करने के बाद वो सबको संतुष्ट करने के बाद वो बाकी फिर उपभोग करते। और उसके बाद भगवान अपने सारथी को हाथ पकड़ के रथ पे चढ़ के जाते थे। आचार्यगण इंगित करते कि सारथी हाथ जोड़कर खड़ा रहता था और भगवान अपने दाहिने हाथ से उनके जुड़े हाथों को पकड़कर रथ पर चढ़ते थे।
ये भगवान का महल अभी जाने वाले हैं रथ पे चढ़ के। इक्षितंत पुरा स्त्री नाम व्रीडा प्रेम वीक्षिते कृच्छात विष्णु नरगात जातहास हरन मन। तब जाते समय महल की स्त्रियां भगवान कृष्ण को लजीली प्रेममय चितवनों से देखती और इस तरह वे उनसे मुश्किल से छूट पाते। तत्पश्चात वे आप हंसी युक्त मुख से उनके मन को चुराते हुए चल पड़ते। तो जाते समय महल की स्त्रियां भगवान कृष्ण को लजीली प्रेममय चितवनों से देखती और इस तरह वे मुश्किल से उनसे छूट पाते। तत्पश्चात वे अपने हंसी युक्त मुख से उनके मन को चुराते हुए आगे चल पड़ते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दृश्य का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि अंतःपुर की महिलाओं को लजीली प्रेम भरी चितवने जो उनकी चंचलता का संकेत दे रही मानो कह रही हो हम आपसे विलग होने के इस कष्ट को कैसे सह सके। तो यहाँ पे जब कृष्ण जा रहे हैं अपने महल, भाव है कि चूंकि भगवान उनके स्नेह के वशीभूत हो रहे हैं अतः वे इंगित करते मुस्काने लगे कि प्री चंचल स्त्री इन छोटे से वियोग से तुम लोग इतनी अभिभूत हो गई, मैं आज ही बाद में तुम सब लोगों के साथ लिए वापिस आ रहा हूं। मतलब अपने ऑफिस महल से वापिस आए। और तब ये सबों को मन को मोहन करने मोहन वाली हंसी के साथ अपने को उन सबों को प्रेम भरी चितवन के बंधन से छुड़ाकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते। सुधर्माख्यम सभाम सर्वे वृष्णि भी परिवारितः प्राविशत यत निविस्तनानम न संति अंग षडूर्मय। हे राजन भगवान समस्त वृष्णियों के साथ साथ उस सुधर्मा सभा भवन में प्रवेश करते जो उसमें प्रवेश करने वालों को भौतिक जीवन की छह तरंगों से रक्षा करता है। उसके बाद भगवान भगवान के जो सभा भवन का नाम था उसका नाम था सुधर्मा सभा भवन। उसमें प्रवेश करने वाले को भौतिक जीवन की छह तरंगें। सुधर्मा सभा में प्रवेश करने के बाद में किसी को भूख, भगवान का जो महल था सभागार था उसमें किसी को भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु से मुक्त रहता था। उस समय उसको ये कुछ भी नहीं हो सकता था जब तक वो भगवान की उस सभा में उपस्थित रहेगा। ये थी सुधर्मा सभा, भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु से मुक्त रहता। तो सुधर्मा सभा कहाँ थे? सुधर्मा सभा भवन स्वर्ग लोक से लाकर द्वारकापुरी नगर में स्थापित किया गया था। ये सुधर्मा सभा स्वर्ग लोक से आया था। इस सभा भवन की विशेषता यह थी कि जो भी इसमें प्रवेश करता था वो छह प्रकार के भौतिक कष्ट जो संसार में रहते हैं भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु से मुक्त रहता था। इस संसार में कोड़े लगते रहते हैं किंतु जब तक कोई सुधर्मा सभा भवन में नहीं रहता था तब तक इन छह भौतिक कोड़ों से प्रभावित नहीं होता। इस संबंध में श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि जब भगवान कृष्ण अपने अनेक महलों से होकर अलग अलग बाहर निकलते हैं तो प्रत्येक रूप उन विशेष महलों के प्रांगणों में उपस्थित रहने वालों को तथा पड़ोसी निवासियों को दृष्टि को चुराता है किंतु अन्यों को नहीं। तत्पश्चात सुधर्मा सभा भवन के द्वार पर भगवान के सारे रूप एक में मिल जाते हैं और इस तरह सभा भवन में प्रवेश करते। उस सारे महलों से 16,108 रूप निकलते थे भगवान के, लेकिन जब सुधर्मा सभा में अपने अपनी सभा में ऑफिस में जाना रहते तो सारे 16,108 रूप एक हो जाते थे और एक भगवान श्री कृष्ण सभा भवन में प्रवेश करते थे। आगे बोला गया तत्रापविष्ट परमासने विभो बभो सुभाषा ककुभाव भाषयन् व्रत नरसिंह यदुभि यदुत्तमो यथा उड़राज दिवितार का गणे। जब उस सभा भवन में सर्वशक्तिमान भगवान अपने श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते हैं, जब उस सभा भवन में सर्वशक्तिमान भगवान अपने सुधर्मा सभा में
विराजमान होते तो वे अपने अद्वितीय तेज से आकाश की दिशाओं को प्रकाशित करते शोभायमान होते थे, इतने सुंदर लगते। पुरुषों में सिंह रूप यदुओं से घिर कर वे यदु श्रेष्ठ वैसे ही प्रतीत होते जैसे अनेक तारों के बीच में चंद्रमा होता। तत्रोपमंत्रिणा राजन नाना हास्य रसे विभुम उपतस्थु नट आचार्य नर्तक के तांडवे पृथक। हे राजन, वहां पर विदूषक विविध हास्य रसों का प्रदर्शन करके भगवान का मनोरंजन करते थे। जो विदूषक थे, जो मनोरंजन करते हैं, वे हास्य रस के दौरान दरबार में भगवान का मनोरंजन करते, दक्ष नर्तक उनके लिए अभिनय करते और नर्तकियां ओजपूर्ण नृत्य प्रस्तुत करती। मृदंग वीणा मुरज वेणु ताल दर स्वने नृतु जगु तुष्ट सूत मागध वंदिन। ये अभियन करता मृदंग वीणा मूरज पंछी मंजीरा तथा शंख की ध्वनि के साथ नाचते और गाते, जबकि पेशेवर कवि मागा तथा वंदीजन भगवान के यशों का गायन करते थे। ते अभियन करता जो थे, अभिनय करता थे, मृदंग वीणा मूरज पंछी मंजीरा तथा शंख की ध्वनि के साथ नाचते गाते, जबकि पेशेवर कवि मागा तथा वंदीजन भगवान के यश का गायन करते। तत्राउ ब्राह्मणा केचित् आसीना ब्रह्मवादिना पूर्वेशाम पुण्य यशसाम राज्ञाम च कथयन कथा। कुछ ब्राह्मण उस सभा भवन में बैठकर वैदिक मंत्रों का सहस्र पाठ करते और कुछ पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति वाले राजाओं की कथा कहकर सुनाते थे। तत्र एक पुरुष राजन आगत पूर्व दर्शन विज्ञापिता भगवते प्रतिहारे प्रवेशित। हे राजन, एक बार एक व्यक्ति उस सभा में आया जिस जो इसके पूर्व वहां कभी नहीं देखा गया था। उस सभा में वो व्यक्ति आया, द्वारपालों ने उसके आने की जानकारी भगवान को दी और तब भगवान उसको भीतर लाए, तब भगवान उसको भीतर लाए। स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलि राज्ञा मा वेदयत् दुःखीं जरासन निरोलजम। उस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर उससे बतलाया कि जरासन द्वारा बंदी बनाए जाने के कारण किस तरह अनेक राजा कष्ट भोग रहे हैं। ये द्वारका में भगवान जब राज्य करे थे तभी सूचना दी गई। इसके पश्चात आगे चौबीसवें श्लोक में बताया जा रहा है कि जरासंध ने क्यों राजाओं को चुराया था। तो ये बताते हैं कि ये च दिग्विजय तस्य सन्नितम न ययो नृपा सह्य रुद्वा तेनासन अयुत्वे दे गिरिव्रजे। जिन 20,000 राजाओं ने जरासन की दिग्विजय के समस्त समय पूर्ण अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये 20,000 राजाओं का इसलिए जरासन ने अपहरण कर लिया था कि इन्होंने जरासन की दिग्विजय के समय पूर्ण अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वे उसके द्वारा बलपूर्वक गिरिव्रज नामक किले में बंदी बना लिए गए थे। तो
तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर यहाँ पे इंगित करते हैं कि ये वे राजा थे जिन्होंने भेंट देने तथा अन्य प्रकार की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में महत्वपूर्ण विवरण मिलता है कि जरासंध ने 1 लाख राजाओं को बलि देकर महाभैरव की पूजा कर दी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने बलि बन देने के लिए राजाओं को बंदी बना लिया था। राजनुवाच कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन प्रपन्न भयभंजन वयम त्वाम शरणम याम भवभीता पृथक अधिय। दूत के द्वारा दिए गए वृत्तान के अनुसार राजाओं ने कहा, हे कृष्ण हे प्रमेय हे अप्रमेय आत्मा हे शरणागतों के भय के विनाशक, हम पृथक पृथक मत रखने के बावजूद इस संसार से भयभीत होकर आपके पास शरण लेने आए। राजा कहते हैं, कृष्ण कृष्ण है अप्रमेय आत्मा शरणागतों के भय के विनाशक, हम पृथक पृथक मत रखने के बावजूद संसार से भयभीत होकर आपके पास शरण लेने आए। ये राजाओं ने संदेश भेजा था। जरासंध के वहां किले से तो अगले 3 श्लोकों में अपने भय का वर्णन करते हैं और अंतिम 2 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें छुड़ा लो। ये उसका मैसेज पढ़ रहा है दूत। लोको विकर्म निरत कुशले प्रमत्त कर्मणि अयम तत्तुदिते भवत् अर्चने स्व यथावतस्य बलवानिह जीविताशाम सद्य छिनन्ति हरिमिषाय नमस्तु तस्मै। इस जगत में लोग सदैव पाप कर्मों में लगे रहते हैं। इस तरह वे अपने असली कर्तव्य के विषय में जो आपके आदेश के अनुसार आपकी पूजा करना है उसमें विभ्रमित रहते हैं। इस कार्य से सचमुच उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हम सर्वशक्तिमान भगवान को नमस्कार करते हैं जो कि काल रूप में प्रकट होते हैं और इस जगत में दीर्घायु की प्रबल आशा को सहसा छिन्न कर देते। भगवान जो आते हैं, जो उनकी दीर्घायु की प्रबल आशा रहती है कि मैं जीता रहूंगा, मैं चाहे कितना भी पाप कर लूं जीता रहूंगा, ये उनकी सारी प्रबल आशाओं को भगवान मृत्यु के रूप में लाके नष्ट कर देते। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मत यत करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् ये तपस्या से कौनते या तत् कुरुष्म अर्पण। हे कौनते, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी मुझे अर्पित करो या दान दो और जो भी तपस्या करो उसे मुझे भेंट के रूप में करो। यही परमेश्वर का अध्यादेश है, किंतु लोग सामान्यतः विभ्रमित रहते हैं और शुभ कार्य की उपेक्षा करके भयानक कष्ट देने वाले पापों का कार्यों को चुनते हैं। कृष्ण भावनामत आंदोलन के भगवत भक्ति के साथ ही आवश्यक कार्य के विषय में संसार को प्रबुद्ध करने का कार्य कर रहा है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण भावनामत आंदोलन इस कार्य को कृष्ण भावनामत आंदोलन इसकोन इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। लोके भवान जगतिन कलया लोके भवान जगतिन कलिया अवतीर्ण सत्रक्षणाय खल निग्रणहाय चन्य कश्चित् त्वदीयम् अतियाति निदेशमीश किं वा जनस कृतं गच्छति तत न विद्ये। आप ये राजाओं की प्रार्थना है। आप विश्व के अधिष्ठाता प्रभु हैं,
और आप इस जगत में संतों की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए अपनी निजी शक्ति के साथ अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वही आपके नियम को उल्लंघन करके करने पर भी अपने कर्म के फलों को कैसे भोग सकते। तो श्रीदेव स्वामी यहाँ पे बताने तात्पर्य में कि राजा लोग अपने ऊपर आई विपत्ति के कारण विभ्रमित थे। वे श्लोक में बतलाते हैं कि भगवान इस जगत में पुण्यात्मा की रक्षा करने और दुष्टों को दंड देने के लिए अवतरित हुए। तो फिर भगवान के आदेश का सरासर उल्लंघन करने वाला जरासन किस तरह अपने दुष्ट कर्म करता जा रहा है, जबकि सारे राजा दयनीय स्थिति में धकेल दिए गए। इस तरह विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं कि राजा लोग ये नहीं समझ पाए कि जरासन, जो कि संत भक्तों को सताया जा रहा है और दुष्टों का पोषण कर रहा है, किस तरह उन्नति करता रहा, जबकि राजागण उस दुष्ट जरासंध द्वारा उत्पीड़ित किए जाते रहे। तो भगवान से एक क्वेश्चन उनके मन में आ रहा है, समझ पा रहे कि ये संत भक्तों को सताया जा रहा है, दुष्टों का पोषण कर रहा है, फिर भी उन्नति कर रहा है ये राजा, जबकि राजागण उस दुष्ट जरासंध द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में जो बुक है, इस पुस्तक में श्रील प्रभुपाद राजाओं के विषय में देते हैं। राजा बोलते हैं, प्रभु आप समस्त जगतों के मालिक हैं और अपने श्वास बलराम के साथ अवतरित हुए हैं। कहा जाता है कि ये आपका ही अवतार श्रद्धालुओं की रक्षा करने, दुष्टों को विनाश करने के लिए भाई भगवान का अवतार। ऐसी परिस्थिति में कैसे संभव है कि आपके होते भी जरासंध जैसा दुष्ट हमें इसे दयनीय स्थिति में ला दे। हम स्थिति से भौचक्के हैं, समझ नहीं पा रहे कि कैसे हो रहा है। ये राजा दुष्टों को संतों का अत्याचार करके भी उन्नति कर रहा है। हो सकता है कि हमारे विगत कर्मों के कारण कष्ट देने के लिए जरासन को नियुक्त किया हो, किंतु हमने शास्त्रों से ही सुना है कि जो कोई आपके चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है वो तुरंत ही पापपूर्ण जीवन के फलों के प्रति निश्चित हो जाता है। अतः हम पूरी तरह से आपके शरणागत रहे, हमें आशा है कि आप हमें पूर्ण संरक्षण प्रदान करें। अठाईसवें श्लोक में कहा गया, स्वप्नाय तन्द्र सुखम परतंत्रमीश शश्वत भयेन मृतकेन्द्रम वहम हित्वा हित्वा तदात्मनि सुखम हित्वा तदात्मनि सुखम तत्नीह लभ्यम ऋषामहे अति कृपणात्म माययाय। हे प्रभु, इस शव तुल्य शरीर से राजा लोग बोल रहे हैं, इस शव तुल्य शरीर से जो डेड बॉडी हमारी, इस शव तुल्य शरीर से जो कि सदैव भय से उत्प्रोत रहता है, हम राजा लोग सुख के बोझ को स्वप्न की तरह वहन कर रहे हैं। इस तरह हमने असली आत्म सुख को त्याग दिया। राजा लोग बोले, हमने असली आत्म सुख को त्याग दिया जो आपकी निस्वार्थ सेवा करने से प्राप्त होता है। हम इतने अभागे होने से हम आपकी माया के पाश के अंतर्गत कष्ट भोग रहे हैं। तो पिछले श्लोक में अपना संदेह व्यक्त करने के बाद यहाँ पर सारे राजा यह स्वीकार करते हैं कि वे अपनी मूर्खता के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि तथाकथित राजपद के क्षणिक तथा बद्ध सुख के बदले में उन्होंने नित्य आत्म सुख का परित्याग कर दिया। अधिकांश लोग अपनी आत्मा के बदले संपत्ति, शक्ति, सम्मान, राजवंश इत्यादि की कामना करने के कारण ऐसी भूल करते हैं। आत्मा के बदले में संपत्ति, शक्ति, सम्मान, राजवंश ये सब कामना करते हैं। आत्मा के लिए कुछ, कल्याण के लिए कुछ कामना नहीं करते। सारे राजा स्वीकार करते हैं कि वे भगवान की माया के पास में फंस चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक अगुवाई की महान चिंता को ही सुख मान लिया। ये राजा लोग जो जरासन के किले में बंधे हुए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के पास संदेश भेजा। तन्नो भवान प्रणत शोक रंगी बद्धान वियक्ष्म मगधाय कर्म पाशात्
यभो भुजायुत मतम गज वीर्यमेक बिभ्रत रुरोद भवने मृगराटिव अवि। इसलिए आप हम बंदियों को कर्म बंधनों से इसलिए हम आप हम बंदियों को कर्म बंधनों से जो कि मगध के राजा के रूप में प्रकट हुए हैं मुक्त कीजिए, क्योंकि आपके चरण लोगों को शोक हरने वाले हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। 10,000 उन्मन्न हाथियों को पराक्रम में वश करने वाले करके अकेले उसने हम सबों को अपने घरों में उसी तरह बंदी बना लिया जिस तरह कोई सिंह होता है भेड़ों को पकड़ लेता है। सारे राजा भगवान से प्रार्थना करें कि वे उन्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर दें। सारे राजा प्रार्थना करें कि उन्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर दें जो कि भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। वे स्पष्ट कर देते हैं कि जरासंध इतना प्रबल है कि उनके लिए अपनी शक्ति के बल पर उससे छूट पाने की कोई आशा नहीं है। यो वे त्वया द्वि नमक्रात्युदात चक्र भग्नामृधे खलु भवन्तम् अनन्त वीर्यम् जित्वा न लोके निरतम् सकृत् उडुदर्पो युष्मत् प्रजारो जति न जित् तत् विदेहि। हे चक्रधारी, आपकी शक्ति अथाह है और इस तरह आपने जरासन को युद्ध में 17 बार कुचला है। ये राजा लोग भगवान से प्रार्थना करें जो बंदी बनाए हुए हैं, ये बोल रहे हैं आपकी शक्ति अदा है। इस तरह आपने जरासन को युद्ध में 17 बार कुचला किंतु मानवीय कामकाज में लीन होने से आपने उसे आपको पराजित करने का एक बार अवसर दिया। आपने उसको अपने अपने आप को आपने पराजित करने के बार अवसर दिया। 18वीं बार आप उससे पराजित हुए, ये आपकी लीला थी। अब वो गर्व से इस कदर फूल गया कि आपके जनता रूप हम सबको सताने का दुस्साहस कर रहा है। हे अजित, आप इस स्थिति को सुधारें। नरलोक नृत्यम शब्द सूचित करता है कि भगवान मानवीय जगत के भीतर क्रीड़ा करने में लीन था और इस तरह मानवीय राजा की भांति अभिनय करते उन्होंने जरासंध को 17 बार पराजित करने के बाद एक युद्ध में से विजय होने दिया। पर राजा कहना चाहते हैं कि जरासंध उन्हें इसलिए सता रहा है क्योंकि लोग कृष्ण की शरणागत है, इसलिए वे भगवान से याचना करते हैं कि हे चक्र शक्ष को ऊंचा रखने वाले, आप समुचित प्रबंध करें। श्री प्रभुपाद ने राजाओं की भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया है। हे प्रभु, आप अब तक क्रमशः 18 बार जरासन से युद्ध कर चुके हैं जिसमें उसकी असाधारण शक्तिशाली स्थिति पर विजय होकर आपने उसे 17 बार हराया, परंतु 18 युद्ध में आपने अपना मानवीय आचरण प्रदर्शित किया है जिससे ऐसा लगता है कि आप पराजित हो गए। और ये प्रभु, हम ये भली भांति जानते कि जरासन आपको कभी भी हरा नहीं सकता क्योंकि आपकी शक्ति समता साधन अनिकार सभी अनंत है। ना तो कोई आपकी समता कर सकता है, नहीं आपसे कोई बढ़कर हो सकता है। 18वें युद्ध में जरासन के द्वारा आपकी हार की प्रतीति मानव आचरण का एक प्रदर्शन मात्र है। दुर्भाग्यवश मूर्ख जरासन आपकी चातुरी को नहीं समझ पाया और तब से वो भौतिक तथा भौतिक शक्ति तथा प्रतिष्ठा के गर्व से फूला हुआ है। विशेष रूप से उसने हमें बंदी बना लिया है। ये भली बातें जानते हो कि आपके भक्त होने से हम आपकी सत्ता के अधीन है। दूत आगे बोलता है राजाओं की तरफ से। दूत वाचा, पहले राजाओं का संदेश सुनाए, अब दूत स्वयं बोल रहा है। इति माघत संरुधा भवत दर्शन कांक्षिण प्रपन्ना पाद मूलम ते दीना नाम शम विधीयता।
दूत ने कहा, यह जरासन के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं का संदेश है। वे सभी आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। कृपया इन बेचारों को सौभाग्य प्रदान करें। श्री शुकवाच राजदूते प्रवति एवं देवर्षि परम द्युति विभ्रत पिंग जटाभारम प्रादुरासित यथा रवि। देखो समय का जब राजाओं का दूत इस प्रकार बोल रहा था तो देवर्षि नारद सहसा प्रकट हुए, सिर पर सुनहरे रंग की जटा धारण की परम तेजस्वी ऋषि प्रकाशमान सूर्य की तरह लग रहे थे। ये जब दूत जो राजाओं की तरफ से संदेश दे रहे थे उसी समय नारद मुनि भी प्रकट हो गए। तम दृष्टा भगवान कृष्ण सर्वलोके लोकेश्वरेश्वर रवंद उतित शीर्णा ससभ्य सानुगो मुदा। भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे लोकेश्वरों के भी पूज्य स्वामी है, फिर भी जो ही उन्होंने नारद मुनि को आते देखा तो वे अपने मंत्रियों तथा सचिवों समेत महर्षि का स्वागत करते हुए अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए सहज खड़े हो गए। भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा देवता शिव जैसे लोकेश्वर के भी पूज्य स्वामी है, फिर भी जो ही उन्होंने नारद मुनि को आते देखा तो वे अपने मंत्रियों तथा सचिवों समेत महर्षि का स्वागत करने तथा अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए सहज खड़े हो गए। सभा जयित्वा विधिवत कृतासन परिग्रह बभाषे सुनते वाक्य श्रद्धया तर्पयन मुनि। जब नारद उन्हें निवेदित किया गया आसन ग्रहण कर चुके तो भगवान ने शास्त्रीय विधियों से मुनि का स्वागत किया और सम्मान पूर्वक तुष्ट करते हुए उनसे निम्नलिखित सत्यनिष्ठ तथा मधुर शब्द कहे। अपिशुतद्य लोका नाम त्रयाणाम अकुत भयम् ननु भूयान भागवत लोकान पर्यटत है गुण। भगवान कृष्ण ने कहा, नारद मुनि का स्वागत करते हैं भगवान बोल रहे हैं, पहले नारद मुनि का सम्मान स्वागत किया फिर बोलते हैं भगवान, ये निश्चित है कि आज तीनों लोकों ने समस्त भय से मुक्ति प्राप्त कर ली, क्योंकि आप जैसे सारे लोकों में स्वच्छंद विचरण करने वाले महापुरुष का प्रताप है। नहीं ते अविदितं किंचित् लोकेषु ईश्वरकर्तृषु अथ पृच्छामहे युष्मान् पांडवानां च कीर्तितम्। ईश्वर की सृष्टि के भीतर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, अतः कृपा करके हमें बतलाइए पांडव क्या करना चाहते हैं। क्योंकि नारद मुनि जो है पांडव की तरफ से कोई संदेश लाए होंगे, इसलिए भगवान पूछ रहे पांडव क्या करना चाहते हैं। इधर उधर का दूत खड़ा है, जरासन वाला दूत खड़ा हुआ है, उसने सारा संदेश सुना दिया और इधर से भगवान जो है इधर से भगवान नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि अभी बताओ पांडव क्या चाहते हैं। नारद बोलते हैं, दृष्टा दृष्टा मया ते बहुश दुरत्या माया विभो विश्वसृज च मायिन् भूतेषु भूमन् चरतस्व शक्तिभिः वये वचन रोच न मे अद्भुतम्।
नारद ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपकी माया की दुर्लभ्य शक्ति को, जिसने जिससे ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा तक आपको आप मोहित कर देते हैं, कई बार देख चुका हूं। हे भुवन, मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं लगता कि आप जीवों के बीच विचरण करते हुए अपने को अपनी ही शक्ति से छिपा लेते हैं, और जिस तरह अग्नि अपने ही प्रकाश को धुएं से ढक लेती। तत्पर जब भगवान ने नारद मुनि से पांडवों के मनोभाव के विषय में पूछा तो मुनि ने उत्तर दिया, भगवान स्वयं ही सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ, यहाँ तक कि वे ब्रह्मांड के स्रष्टा ब्रह्मा को भी मोह सकते हैं। नारद जान गए कि भगवान कृष्ण जरासंध का वध करना चाहते हैं, और नारद से पांडवों के मनोभाव के विषय में पूछकर इस लीला की तैयारी आरंभ कर रहे हैं। भगवान के इस मनोभाव को जानकर नारद को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ जब भगवान कृष्ण ने उनसे समाचार जानना चाहा। नारद इस तरह से प्रार्थना करें और भगवान हिंट दे रहे हैं, इसमें ये संकेत दे रहे हैं कि वो जरासंध को मारेंगे। तब नारद मुनि आगे बढ़ता, इहितं करोति साधु वेदितं शोमायया इदं सृजत नियच्छत यत विद्यमान आत्मतया उपासते तस्मे नमस्ते सविलक्षणात्मने। भला आपके उद्देश्य को सही कौन समझ सकता है? अपनी भौतिक शक्ति से आप इस सृष्टि का विस्तार करते हैं और फिर उसे अपनी में लीन कर लेते हैं। इससे प्रतीत होता है कि इसका वास्तविक अस्तित्व है। आपको नमस्कार है जिनकी दिव्य स्थिति अचिंतनीय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने नारद मुनि की नारद की अनुभूति का वर्णन इस प्रकार किया है, प्रिय प्रभु, आप अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इस विराट जगत की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, फिर इसका संहार करते हैं। ऐसा आपकी अचिंत शक्ति के बल पर ही होता है। यद्यपि यह भौतिक जगत वैकुंठ लोक का छाया निरूपणी है, तथापि यह वास्तविक प्रतीत होता है। कोई समझ नहीं पाता कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं। आपकी दिव्य स्थिति सबके लिए सदैव अचिंतनीय है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं आपको बार बार नमस्कार कर सकता हूँ। जीवासी असंसरतः विमोक्षणम् न जानता नार्थवहात् शरीरतः लीलावतारे स्वयश प्रदीपकम् प्राज्वालयत्पातम् अहम् प्रपद्ये। जन्म तथा मृत्यु के चक्र में फंसा जीव, ये नारद मुनि बोल रहे हैं, भगवान की प्रार्थना करें, बोल रहे हैं, जन्म तथा मृत्यु के चक्र में फंसा जीव ये नहीं जानता कि भौतिक शरीर से, जिससे उसे इतना कष्ट मिलता है, किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। किंतु हे परमेश्वर, आप विविध स्वरूपों में इस जगत में अवतरित होते हैं और अपनी लीलाएं करके अपने यश की प्रज्वलित मशाल से जीव के मार्ग को आलोकित करते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। जन्म तथा मृत्यु के चक्र में फंसा जीव नहीं जानता कि भौतिक शरीर से, जिससे उसे इतना कष्ट मिलता है, किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। कहते हैं परमेश्वर, आप विविध स्वरूपों में इस जगत में अवतरित होते हैं और अपनी लीलाएं करके अपने यश की प्रज्वलित मशाल से जीव के मार्ग को आलोकित करते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि नारद ने कहा, ज्ञान की शारीरिक धारणा में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्रेरित रहता है। बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में वो प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्रेरित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में एक के बाद एक नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जगत की ऐसी धारणा में लीन रहने से वह नहीं जान पाता कि भौतिक शरीर के इस बंधन से किस प्रकार छूटा जाए। हे भगवान, अपनी अहेतु की कृपा से आप अपनी दिव्य विभिन्न दिव्य लीलाएं दिखलाने के लिए अवतरित होते हैं, जो प्रदीप्त एवं यशपूर्ण है। अतः आपकी वंदना करने के सिवा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। हे प्रभु, आप परम पुरुष हैं, परब्रह्म हैं, और सामान्य पुरुष के रूप में आपकी लीलाएं अन्य युक्तिपूर्ण साधन है।
ठीक वैसे ही जैसे कि मंच पर हो रहे नाटक में नट अपनी निजी पहचान से भिन्न अभिनय करता। तथापि आश्रावये ब्रह्मो नरलोक विडम्बरम राज्ञि पैतृशस्त्रयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितम्। अथापि आश्रावये ब्रह्म नरलोक विडम्बर राज्ञ पैतृ स्वस्त्रस्य भक्तस्य च चिकीर्षितम्। तो भी मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं परम सत्य, मैं आपको बतलाऊंगा कि आपके बुआ के पुत्र युधिष्ठिर महाराज क्या करना चाहते हैं। इक्षाति त्वमख इंद्रेण राजसूयेन पांडव पारमेष्ठि कामन रपति तत भवान अनुमोदताम। राजा युधिष्ठिर एक छत्र सत्ता की इच्छा से राजसूय नामक महानतम यज्ञ द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं। अभी नारद मुनि संदेश दे रहे हैं, ये तो नारद मुनि हस्तिनापुर से आ रहे हैं, इंद्रप्रस्थ से आ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं भगवान को। राजा युधिष्ठिर एक छत्र सत्ता की इच्छा से राजसूय नामक महानतम यज्ञ द्वारा आपकी पूजा करना चाह रहे हैं, कृपा करके उनके इस प्रयास के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, आपके फुफेरे भाई पांडवों का शुभ चिंतक बनकर उनके विषय में आपने फुफेरे भाई पांडवों का शुभ चिंतक बनकर उनके विषय में जिज्ञासा की, अतः मैं उनके मनोभावों के विषय में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पहला कृष्ण कृष्ण ने पहला प्रश्न पूछा था, हमें बताया कि पांडव क्या करना चाहते हैं जब नारद मुनि मिले। तो अभी बता रहे नारद मुनि, वे राजसूय नामक महानतम यज्ञ द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं। राजा युधिष्ठिर के पास कृपा करके मुझे सुनिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, राजा युधिष्ठिर के पास वो सारा भौतिक ऐश्वर्य है जो सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में पाया जा सकता है। उनके पास किसी भी भौतिक ऐश्वर्य की कमी नहीं है जिसकी वो इच्छा करें, फिर भी वे आपकी संगति प्राप्त करने और आपको प्रसन्न करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। वे आपकी आयत की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी पूजा भी करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उनकी इस इच्छा को पूरा करें। तस्मिन् देव क्रतुवरे भवन्तं वे सुरादय दिदक्षो समेष्यन्ति राजान् च यशस्विनः। हे प्रभु, आपको देखने के इच्छुक सारे श्रेष्ठ देवता तथा यशस्वी राजा श्रेष्ठ यज्ञ में आएंगे। तो आचार्य की व्याख्या के नारद यह कहना चाह रहे हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण का दर्शन करने सारे महापुरुष उस यज्ञ में आएंगे, इसलिए उन्हें भी चाहिए कि इस यज्ञ में आए। कृष्ण को चाहिए कि इस यज्ञ में आए। श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते अन्ते वसायिनः तत् त्वब्रह्ममयस्य ईश किमुत इच्छाभि मर्षिणः। हे प्रभु, आपके यश का श्रवण तथा कीर्तन करने से तथा ब्रह्म रूप आपका ध्यान करने से जाति से निकाले गए मतलब अंत्यज लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। आपका यश का श्रवण कीर्तन करने से नारद मुनि भगवान से प्रार्थना करें कि आपके यश का श्रवण तथा कीर्तन करने से ब्रह्म रूप आपका ध्यान करने से जाति के से निकाले गए मतलब जो सबसे नीच लोग रहते हैं, नीच लोग भी नीचे लोग जो होते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं आपका श्रवण कीर्तन करने से। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो आपको देखते हैं और आपका स्पर्श करते हैं, वो तो और भी महान है। तो पांडव लोग तो आपका स्पर्श करते हैं और आपको देखते हैं। यस्यामलं दिवि यश प्रतीतम् यस्यामलं दिवि यश प्रतीतम् रसायाम् भूमौ चतुर्भुवन मंगल दिक्
वितालाप मंदाकिनी थी दिवि भोगवती थी, मंदाकिनी थी दिवि भोगवती थी चाधा गंगा इति चहि चरणं पुनाति विश्वम। हे प्रभु, आप सभी मंगलों के प्रतीक हैं। आपका दिव्य नाम तथा यश ब्रह्मांड के उच्चतर मध्य तथा अधोलोक सहित समस्त लोकों के ऊपर छत्र के समान फैला हुआ है। आपके चरण कमलों को प्रक्षालित करने वाला दिव्य जल उच्चतर लोकों में मंदाकिनी नदी के नाम से, अधोलोकों में भोगवती के नाम से और इस पृथ्वीलोक में गंगा के नाम से विख्यात है। यह पवित्र दिव्य जल संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रभावित होता है और जहां जहां भी जाता है उसे पवित्र कर देता है। तो भगवान सभी मंगलों के प्रतीक हैं और भगवान का दिव्य नाम और यश जो है ये नारद मुनि स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे छत्र के समान फैला हुआ है। भगवान ये जो आपके चरण कमलों को प्रक्षालित, आपके चरण कमलों को प्रक्षालित करने वाला दिव्य जल उच्चतर लोकों में मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, अधोलोकों में भगवती के नाम से और पृथ्वीलोक में गंगा के नाम से विख्यात है। भगवान के चरण कमलों का जल है। भगवान कृष्ण की दिव्य कीर्ति ब्रह्मांड भर में उसी तरह फैली जिस तरह सारी दिशाओं के ऊपर शीतल करने वाला कोई चंदोवा हो। इसके बाद भगवान की प्रार्थना करें, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्र तेषु आत्मपक्षेषु अग्नत्वस्य विजिगीषया वाच पेशेस्मिन् भृत्यम् उद्धवं पाय केशव। गोस्वामी कहते हैं, जब जरासंध को हराने की इच्छा से भगवान के पक्षधर जब जरासंध को हराने की इच्छा से भगवान के पक्षधर यादवों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो भगवान केशव अपने अनुचर उद्धव की ओर मुड़े, हंसते हुए उत्तम शब्दों में बोले, उद्धव जो है सही सलाह देता हूं। भगवान उद्धव से सलाह लेते, वो भगवान का शुद्ध भक्त था इसलिए वो सही सलाह देगा। भगवान जानते हैं तो इसलिए भगवान अब उद्धव की ओर हंसते बोलते, क्या करें, इधर से जरासंध को राजा को मारने का आ रहा है प्रस्ताव, उनका दूत खड़ा है, इधर से नारद मुनि मुझे बोल रहे हैं पांडवों के यज्ञ में जाना है। तो श्री प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि द्वारका की सुधर्मा सभा वन में महर्षि नारद के आगमन के पूर्व भगवान श्री कृष्ण एवं उनके मंत्री तथा सचिव इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जरासंध के राज्य पर आक्रमण किया जाए। दूत आया था, चूंकि इस विषय पर गंभीरता पर विचार कर रहे थे इसलिए नारद जी का प्रस्ताव कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में जाकर महाराजा युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में उपस्थित होने अधिक आकर्षक नहीं लग रहा था। नारद मुनि ये काम बोल रहे हैं, उधर से राजा लोग बंदी बने हुए, उन्होंने मैसेज भेजा है, एक जगह क्राइसिस एक इमरजेंसी और एक जगह वॉलेंटरली जाना है। भगवान कृष्ण अपने साथियों के साथ अभिप्राय को समझ गए क्योंकि ब्रह्मा जी के भी शासक है, इसलिए उन्होंने उन्हें सांत्वना देने के लिए उन्होंने उद्धव से मुस्कुरा कर कहा। विश्वनाथ ठाकुर छकुरी ठाकुर बताते हैं कि भगवान इसलिए मुस्कुराए कि वह दिखाने जा रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में भी सलाह देने की क्षमता उद्धव में। उद्धव में सलाह क्यों है, सही सलाह क्यों दे पाता है, भगवान का शुद्ध भक्त। तो जब तक भगवान की कोई शुद्ध भक्ति नहीं करे कभी भी सही सलाह नहीं दे सकता। मटेरियलिस्टिक व्यक्ति कभी पाप में डुबो देगा हमेशा। तो इसलिए हमें सलाह देते टाइम ध्यान रखना चाहिए कौन भगवान का कितना शुद्ध भक्त है। श्री भगवान वाच तमहीन परमं चक्षु सूरत मंत्र अर्थ तत्वविदः अथा तत्र ब्रूहि अनुष्ठेय श्रद्धां कर्मां ततः। भगवान ने कहा, निस्संदेह तुम हमारे उत्तम नेत्र तथा घनिष्ठ मित्र हो। भगवान उद्धव से बोलते हैं, तुम मेरे उत्तम नेत्र हो, मतलब तुम सारी चीजें देख पाते हो भविष्य में क्या होने वाला है।
तथा घनिष्ठ मित्र, क्योंकि विविध प्रकार की सलाहों के अपेक्षित मूल्य को पूर्णतः जानते हैं। तुम सबको तुलना कर सकते हैं कि कौन सा निर्णय सही रहेगा। व्यक्ति जब कोई भी निर्णय लेता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए किस निर्णय से भविष्य में उचित रहेगा सर। इसलिए तुम कहो कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी सलाह ले रहे हैं, तो इतना विश्वास पात्र, इतना शुद्ध भाई, हमें तुम्हारे निर्णय पर विश्वास है। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। ये भगवान कृष्ण उद्धव को बोले, कितना आश्चर्य की बात है। भगवान अपने शुद्ध भक्ति के ऊपर कितना रिलाय करते, कितना निर्भर रहते। हालांकि भगवान चाहे तो भगवान को सब पता है क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उद्धव को ना। इति उपमंत्रित भत्रा सर्वज्ञेन अभिमुग्धवत निदेशम शिरस आधाय उद्धव प्रतिभाषत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अपने स्वामी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, जो कि सर्वज्ञ होते हुए भी, भगवान तो सब कुछ जानते होते भी, मोहित होने का अभिनय कर रहे हैं, और उद्धव ने उनके इस आदेश को शिरोधार्य किया और इस प्रकार उत्तर दिया। उद्धव अभी उनको सलाह देगा, उत्तर देगा। ये उद्धव की सलाह जो है ये मानने योग्य होगी, क्योंकि भगवान अपने भक्त को उचित बुद्धि देते हैं, जिससे उचित सलाह दे सके। अगर मूर्ख और मटेरियलिस्टिक व्यक्ति सलाह ली तो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या वाला जो जब अध्याय ये खत्म होता है, और भगवान को भी उद्धव क्या सलाह देते हैं और क्या निर्णय देते हैं, भगवान किधर जाते हैं, इंद्रप्रस्थ जाते हैं, जरासंध को मारने जाते हैं, ये हम देखेंगे। या दोनों चीज कंबाइन हो सकती है। ये हम देखेंगे कि उद्धव किस प्रकार की सलाह देता है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे इसका। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।